नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ NHSRCL की बड़ी भर्ती के बारे में। इसमें सीधी भर्ती होने जा रही है दोस्तों। इसका पूरा नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है NHSRCL में। दोस्तों, इसका पूरा नाम जैसे बताया कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। दोस्तों, यदि आपका सपना दोस्तों नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करने का तो आप आज की भर्ती के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात है तो इसमें 20 साल से 35 साल तक की एज लिमिट है दोस्तों। और इसके लिए क्रूशल डेट है 31 दिसंबर 2020, यानी कि 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से ही आपकी इसकी गणना की जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों 5 साल का SC और ST को और 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें 65 यानी कि 65 वैकेंसी है और ज़्यादा सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 40,000 से लेके 1,40,000 और 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये। दोस्तों, इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। और ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें CBT होगा दोस्तों और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, जहाँ तक डेट्स की बात है तो 12 दिसंबर 2020 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 1 जनवरी 2021। दोस्तों, यदि वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसमें पोस्ट के नाम है दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, सीनियर एग्जीक्यूटिव SMT, सीनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सीनियर एग्जीक्यूटिव जनरल तथा असिस्टेंट मैनेजर जनरल। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा या डिग्री। आपकी क्वालिफिकेशन रेलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये आज ही जारी हो रखा है, दोस्तों आज ही इशू हो रखा है। आइए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन से वैकेंसी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पहली वैकेंसी है सीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की। इस पोस्ट के लिए दोस्तों पे स्केल है 40,000 रुपये से लेके 1,40,000। इसमें 53 यानी कि 53 वैकेंसी है दोस्तों। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिप्लोमा या BE या BTEC सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, इसका डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं। दूसरी वैकेंसी दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव SNT की। इसका भी पे स्केल 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये। दोस्तों, इसमें 3 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा या BE या BTEC इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में या इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, तीसरे नंबर की पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की और इस पोस्ट के लिए पे स्केल है 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये। इसमें केवल 2 वैकेंसी है दोस्तों और इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर जनरल की और इस पोस्ट के लिए पे स्केल है 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये। इसमें केवल 1 ही वैकेंसी है दोस्तों और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री। अगली पोस्ट है दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव जनरल की। इस पोस्ट के लिए पे स्केल है 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 और इसमें दोस्तों केवल 2 ही वैकेंसी हैं। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होनी जा रही है और इसके लोकेशन है मुंबई तथा अहमदाबाद। लेकिन आप इस भर्ती के लिए दोस्तों ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट https://www.nhsrcl.in पे जाके आप इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। आप लिंक वहाँ से ओपन करके आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस भर्ती का सो डिटेल। और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को
ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।